हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोंवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने रीट के लिए टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 15 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 16 पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि संगीत सार के लेखक कौन हैं, संगीत सार के लेखक कौन हैं, तो आपको याद रखना है वो है स्वाई प्रताप सिंह। ठीक है, स्वाई प्रताप सिंह है जो संगीत सार की लेखक है। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न तय किए हैं वो हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ, उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में सौर वैधशालाएं बनवाई थी, तो आपको याद रखना है वह थे स्वाई जय सिंह। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, किसने जयपुर नगर की 1727 में स्थापना की थी, किसने जयपुर नगर की 1727 ईस्वी में स्थापना की थी, तो आपको याद रखना है वह थे स्वाई जय सिंह। ठीक है, स्वाई जय सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की थी, कब? 1727 ईस्वी में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, बिहारी सत्सई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे, बिहारी सत्सई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे, तो आपको याद रखना है वह थे मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे कौन? बिहारी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, 11 जून 1665 ईस्वी की मुगल मराठा संधि किसके प्रयास से संभव हुई, 11 जून की 1665 ईस्वी की मुगल मराठा संधि किसके प्रयास से संभव हुई, तो आपको याद रखना है वह हुई थी मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयास से संभव हुई थी। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राजवंश कौन सा था, मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राजवंश कौन सा था, तो वह वंश था कछवाहा वंश। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि किस कछवाहा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था, किस कछवाहा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था, तो वह था कांकिल देव। ठीक, कांकिल देव था जिसने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि ढूंढाड़ के कछवाहा राज्य का संस्थापक कौन था, ढूंढाड़ के कछवाहा राज्य का संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखना है वह था दूला राय। ठीक है, दूला राय था जो ढूंढाड़ के कछवाहा राज्य का संस्थापक था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी हुई, मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि हुई, तो आपको याद रखना है वह अमर सिंह के समय में हुई थी। ठीक है, अमर सिंह के समय में हुई थी कौन सी संधि, मेवाड़ मुगल संधि, कब हुई थी? 1615 ईस्वी में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि किसने हल्दीघाटी की युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपली कहा, किसने हल्दीघाटी की युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा, तो किसने कहा था? कर्नल टॉड ने। ठीक है, तो यह युद्ध हुआ कब था? 18 जून 1876 में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, तो मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना जो अकबर का मुख्य उद्देश्य था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि अकबर ने आगरा किले के मुख्य द्वार पर चित्तौड़ अभियान में शहीद हुए दो वीरों की हाथी पर सवार प्रशस्त प्रतिमाएँ स्थापित करवाई हुई हैं, वे कौन सी है? जयमल व पत्ता। ठीक है, जयमल व पत्ता है जो अकबर ने आगरा किले में के मुख्य दरबार पर चित्तौड़ अभियान में शहीद हुए दो वीरों की हाथी पर सवार प्रशस्त प्रतिमाएं स्थापित करवाई, किसकी? जयमल व पत्ता की। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, पन्ना धाई एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है, पन्ना धाई व दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है, वह क्या है? देश के लिए बलिदान का। ठीक है, देश के लिए बलिदान का प्रेरणा मिलती है किनसे? पन्ना दाई और दुर्गादास से। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी, तो वह रानी थी कौन? रानी कर्णावती। ठीक है, रानी कर्णावती थी जिसने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेगा तब तक वह चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा, मेवाड़ के
किस शासक ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेगा तब तक वह चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा, तो वह की थी राणा सांगा ने। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है वह था राजकुमार भोजराज। ठीक है, राजकुमार भोजराज किसके पति का नाम था, तो आपको याद रखना है कवित्री मीरा के। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, तो आपको याद रखना है वह थे जेता। ठीक है, जेता थे जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा गया है। मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा गया है, तो आपको याद रखना है वह है मारणा कुंभा। ठीक है, मारणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा गया है। अगला देखते हैं, तो अगला सवाल है कि मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने दुर्गों की एक श्रृंखला का निर्माण करवाया था और जिसे मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने दुर्गों की एक श्रृंखला का निर्माण करवाया था और जिसे मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय प्रदान है, तो वह कौन था, राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा था, नहीं सॉरी राणा सांगा नहीं था, राणा कुंभा था। ठीक है, राणा कुंभा था जिसे श्रेय दिया जाता है, किसे, 32 दुर्गों के बनाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, किसे, राणा कुंभा को। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि किसने 1440 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने 1440 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो आपको याद रखना है वो कराया था राणा कुंभा ने। ठीक है, कब करवाया था, 1440 ईस्वी में क्या कराया था, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने, राणा कुंभा ने। अगला देखते हैं, अगला सवाल है राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, तो कौन, कुंवर चूड़ा को। ठीक है, कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था। उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको याद रखना है यह कराया था लक्ष्य सिंह। ठीक है, लक्ष्य सिंह या लाखा ने कराया था, क्या कराया था, पिछोला झील का निर्माण कराया था। अगला देखते हैं, तो अगला सवाल है मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन था। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखना है यह था अमीर। ठीक है, अमीर था जो मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक था। अगला देखते हैं, अगला सवाल है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था, तो आपको याद रखना है वह रखा था खिजराबाद। ठीक है, सॉरी खिजराबाद, खिजराबाद रखा था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसका नाम बदल कर रखा था, तो चित्तौड़ का नाम बदल कर रखा था, क्या रखा था, खिजराबाद। अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है कि मेवाड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 राजपूतानियों ने जोहर कर अपने सतीत्व की रक्षा की है। यह जोहर किस नाम से प्रसिद्ध है। मेवाड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 राजपूतानियों ने जोहर कर अपने सतीत्व की रक्षा की। यह जोहर किस नाम से प्रसिद्ध है, तो यह जोहर प्रसिद्ध है प्रथम साके के नाम से। ठीक है, तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।